हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रीजन इट जीके पर। यहाँ पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और जो भी व्यक्ति अपने पांचों प्रश्नों का सही उत्तर दे वो अपना नाम और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों के भूचाल को शुरू करते हैं, और हमारा प्रथम प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू प्रिंट द बुक। दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है जिसने किताब छापा। और आपके ऑप्शन हैं जोहान्स गटनबर्ग, कॉस्टर, प्लिनी, सुकरात। कौन है वह व्यक्ति जिसने पहला किताब छापा। और इसका सही उत्तर है जोहान्स गटनबर्ग। जोहान्स गटनबर्ग जर्मनी का एक व्यापारी था और उसने ही दुनिया का सबसे प्रथम किताब छापा था। उस पुस्तक का नाम था द बाइबल, और उसने 3 साल में लगभग 180 प्रतियां बाइबल की छापी थी। तो इसका सही उत्तर होगा जोहान्स गटनबर्ग, जिसने बाइबल नाम की पहली किताब छापी थी। और हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ वेयर द ह्यूमन लिव। धरती का दक्षिणतम छोर क्या है जहाँ पर इंसान रहते हैं। और आपके ऑप्शन है प्यूर्टो रिको, क्रिसमस आइलैंड्स, प्यूर्टो विलियम्स एंड बोस्टोक। धरती का दक्षिणतम छोर जहाँ इंसान रहते हैं, और इसका सही उत्तर होगा प्यूर्टो विलियम्स। प्यूर्टो विलियम्स चील का एक सबसे छोटा सा गांव है जो दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है धरती के, और वहीं पर इंसान रहते हैं। वह दक्षिणतम बिंदु है धरती का जहां पर इंसान अभी भी रह रहे हैं। पहले यह अर्जेंटीना का एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन बाद में यह प्यूर्टो विलियम्स बन गया है, जिसे 2018 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। और हमारा तीसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच लैंग्वेज हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स। दुनिया का वह सबसे छोटा लैंग्वेज कौन है जिसमें सबसे कम शब्द हैं। और आपकी ऑप्शन है टोकी पोलना, अरेबियन, मैंडरिन, तिब्बतन। दुनिया का सबसे छोटा लैंग्वेज कौन सा है, सोचिए। इसका सही उत्तर है टोकी पोलना। टोकी पोलना एक अमेरिकन साइन लैंग्वेज है जिसमें मात्र 123 शब्द हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा लैंग्वेज माना जाता है। पहले यह लैंग्वेज इटालियन था जिसमें कम से कम और छोटा शब्द था, लेकिन अब यह टोकी पोलना को जाता है। इसमें मात्र 123 शब्द हैं और यह अमेरिकन उत्तरी राज्य में बोला जाता है। हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने यह रहा, हु गेव द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO का नाम किसने दिया था, उसका नामकरण कौन किया था। और आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स डिगॉल, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट। कौन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। और इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना तो फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण किया था। चार्ल्स डी गॉल उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और विंस्टन चर्चिल जस्ट चुनाव हारे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट। हमारा पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न एक तरह से आपके सामने यह रहा, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया। भारत का पहला शासक किसे माना जाता है। और आपके ऑप्शन हैं इक्ष्वाकु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या मिनेंडर। भारत का पहला शासक कौन था, सोचिए, रामायण देखा है तो। और इसका सही उत्तर होगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु भारत के पहले शासक माने जाते हैं। वह सूर्यवंश के शासक थे जिन्होंने कौशल राज्य यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में अपना आधिपत्य जमाया था। उनकी राजधानी अयोध्या थी और उसी कुल में बाद में भगवान श्री राम पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इक्ष्वाकु। कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखा रहता है, वह वर्तमान भारत के पहले शासक थे। और भारत के अगर पहला शासक कहीं पूछा जाए तो इक्ष्वाकु ही होंगे। यह भारतीय पुराण, यहाँ तक कि विष्णु पुराण में भी वर्णित है, और रामायण में भी ये वर्णित किया गया है कि इक्ष्वाकु ही भारत राज्य के पहले शासक थे। इसका सही उत्तर होगा इक्ष्वाकु। हमारा एक आपसे बोनस प्रश्न ये रहा, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ SC वर्मा और RD शर्मा। दोनों का किताब हमने बचपन से पढ़ा और बहुत झेला है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स हम बहुत झेलते हैं, हमारी पसीने निकल जाते हैं बनाने में। इनका नाम बताइए, SC वर्मा का पूरा नाम क्या है और RD शर्मा का पूरा नाम क्या है। चलिए हम ही बता देते हैं। SC वर्मा का पूरा नाम है हरीश चंद्र वर्मा। यह पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और
बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी में, कानपुर IIT कहें बेहतर होगा, वहाँ पे फिजिक्स के प्रोफेसर रहे और एक काफ़ी प्रचलित है, इनका नाम है हरीश चंद्र वर्मा और RD शर्मा। इनके मैथमेटिक्स तो बहुत ही सर दुखाते हैं और इनका पूरा नाम है रवि दत्त शर्मा, RD शर्मा, रवि दत्त शर्मा, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा यह पेशकश पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर खूब करें। तब तक हम आपसे नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें और सेफ रहें।